दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच युद्ध में जिस तरह इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम LRASM के द्वारा हमास पर घनघोर तबाही मचा रहा है, इसी को देखते हुए भारत ने भी स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अब भारत इजराइल के आयरन डोम को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि अब भारत स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम अपने ही देश में बनाने जा रहा है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम LRASM जल्द ही तैयार हो जाएगा। यह इजराइल के आयरन डोम की तरह अपने दुश्मनों के हवाई हमलों को चंद मिनटों में तबाह कर देगा। यह स्वदेशी लॉन्ग रेंज सर्विसेस टू एयर मिसाइल LRASM सिस्टम है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट कूसा की तरह बना रहा है। LRASM ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसमें 350 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइल, फाइटर प्लेन, रॉकेट को डिटेक्ट कर उन्हें तबाह करने की क्षमता रखता है। यह इजराइल के आयरन डोम के तर्ज पर ही काम करेगा। आयरन डोम अपने सफिस्टिकेटेड रडार के सहारे नज़दीक आ रहे रॉकेट या मिसाइल का पार्ट डिटेक्ट कर देता है और इन्फॉर्मेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजता है। कंट्रोल सेंटर हमला करने वाले रॉकेट के इम्पैक्ट करने वाली जगह को कैलकुलेट करता है और एक के बाद एक दो इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करता है, जो हमला करने वाले रॉकेट को आसमान में ही तबाह कर देता है। फिलहाल भारत के पास रूसी एयर 400 ट्रायल मौजूद है, जिसे सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। लेकिन S-400 के होते हुए भी भारत को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब भारत स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम LRASM अपने ही देश में बनाकर स्वयं की सुरक्षा करने की ताकत रखने में सक्षम हो सके। यह एयर डिफेंस सिस्टम 5 वर्ष में तैयार हो जाएगा और 2028-29 में यह डिफेंस सिस्टम भारत में ही तैयार हो जाएगा। यह सिस्टम लंबी रेंज के सर्विलांस के साथ फायर कंट्रोल रडार, 150, 250, 350 किलोमीटर के रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइल भी इसमें मौजूद होगी। हाई स्पीड टारगेट के साथ लो रडार क्रॉसेक्शन के खिलाफ बेहद असरदार होगा। यह इंडियन एयर फोर्स के एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।